भारतीय विज्ञान कितना समृद्ध है सुना करो, सुनोगे तो दो कौड़ी के इंग्लिश घटिया डाइजेस्ट कामना और वासना से भरी हुई उन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ऐसे किसी साइट पे जाने की जरूरत पड़ेगी कभी किसी यूट्यूब पे। शास्त्र इतना समृद्ध है, एक एक बातें हमारे शास्त्रों में खुलकर लिखी गई, छुपाए छुपाए के तो अपराधी बनाए दिए अपने बच्चों को। भारतीय सनातन संस्कृति की वो गरिमा है जहां वात्स्यायन जैसे ऋषि काम के ऊपर पूरा एक शास्त्र लिख देते, क्योंकि काम को हमारे यहां निंदनीय नहीं माना गया। भारत के सनातन संस्कृति में चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काम खराब कब से हो गया? काम नियंत्रित और मर्यादित रूप से ही इस सृष्टि का कारण है और अमर्यादित तो कुछ भी खराब है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा रसगुल्ला खा करके भीतर शुगर फैक्ट्री चालू हो जाती, वो भी बैड है। इसलिए काम की निंदा नहीं है हमारे यहां शास्त्रों में, पर आपने अपने बच्चों को कैसे पाला है, आपके माता पिता ने आपको कैसे पाला है, उनके माता पिता ने उनको कैसे पाला है। मानो कोई भयंकर अपराध कर रहे हैं, ग्लानी में डाल के पूरी समाज को रखे हुए। अरे कभी किसी निष्णात सदगुरु के पास शास्त्रों के अनुसार इसका समाधान ढूंढ लिए होते तो किसी फ्रायड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वात्स्यायन को जो पढ़ ले, फ्रायड को क्या पढ़ेगा? भारतीय ऋषियों के संबंध में जिनका ज्ञान हो उनको किसी लाओत्सु से क्या लेना है? है महान है, उनकी संस्कृति है। भारत में तो भारतीय संस्कृति ही चलेगी। गौतम गर्ग सांडिल्य कनाद कण्व रिभु अंगिरा चैवन्य गालव विश्वामित्र वशिष्ठ, यहां इनकी नीतियां चलेंगी भारत में। तो तुमको तो ऋषि भी आयातित चाहिए, विदेशी दार्शनिक भी तुमको विदेशी चाहिए, वैज्ञानिक भी तुमको आइंस्टाइन और न्यूटन ही चाहिए। हनुमान जी से काम तुम्हारा चलेगा नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्टेब्लिश करने वाले हनुमान जी हैं और तुम न्यूटन का पूंछ पकड़ के पीछे लगे हुए हो। न्यूटन काका न्यूटन काका, पता नहीं क्यों। दुर्भाग्य तो अपने ऋषियों की तरफ लौटो।